मैंने 10th का एग्ज़ाम के लिए जो अपीयर किया था, तो इस क्लास में मैंने मन लगा के पढ़ाई की, मतलब बहुत मेहनत की। और मेरा जब से मैंने पढ़ाई स्टार्ट की थी क्लास 10 की, तब से मेरा गोल था कि मैं 98% लाऊं और मेरिटियस स्टूडेंट बनूं। तो उसके बाद जो मेरा रिज़ल्ट आया है वो बहुत अच्छा, मीन्स 90.50% है। बट आई एम नॉट वेरी फीलिंग वेरी गुड फॉर दैट, बिकॉज मैंने जितना गोल किया था अपना 98%, तो उतना गोल था मेरा। और मैं चाहती हूँ कि मेरा जो पेपर है वो रीओपन हो। फ्यूचर प्लान, आई वॉन्ट टू बी यंगेस्ट यूपीएससी टॉपर, और मैं अभी क्लास 11th में मैथ्स के सब्जेक्ट लेके पढ़ाई करना चाहती हूँ। कितना परसेंट आया अभी? 90.50%। नाम बताओ। नरगिस खान। एक्चुअली जब कोविड-19 की सिचुएशन चल रही थी, तो हमारी क्लासेस रेगुलरली ऑनलाइन क्लासेस होती थी। तो क्लास 5th में हमें मतलब बहुत ज़्यादा यूज़ करना पड़ा मोबाइल का, जैसे कि यूट्यूब, गूगल, ये सब ऐप्स का भी बहुत यूज़ करना पड़ा। तो उसमें जब मैंने सर्च किया, तो उसमें जैसे कि मेरा शुरू से ही एम था कि यंगेस्ट यूपीएससी टॉपर बनना है, तो उसको ध्यान में रखते हुए मैंने सर्च किया कि यंगेस्ट बनने के लिए कुछ मतलब क्या हम 10th का एग्ज़ाम दिला सकते हैं। तो उसमें था कि हाँ, अगर IQ टेस्ट का जो वो IQ टेस्ट होता है, उसमें अगर आपने इतना IQ होगा आपका कि आप क्लास 10 में बैठने के लिए सफिशिएंट हो, तो दिला सकते हैं। तो जब उसी को ध्यान में रखते हुए हमने IQ टेस्ट करवाया, उसमें इतना IQ आया मेरा कि मैं सफिशिएंट हूँ कि 10th का एग्ज़ाम दिला सकूँ। तो उसके बाद से मैंने फिर 10th का एग्ज़ाम दिलाने के लिए पढ़ाई शुरू की। तब पढ़ाई शुरू की थी, तो मतलब मैंने एक अच्छा गोल बना के रखा था कि मतलब 98% आना है और फिर उसमें मेरिट लिस्ट में आना है। तो जब मैंने ट्राई किया था तो टाइम टेबल बना के पढ़ी थी और 6 to 7 आवर्स डेली मैंने पढ़ाई की थी। और अभी जो रिज़ल्ट आया वो मेरी मेहनत का ही जो फल है, और ये रिज़ल्ट बहुत अच्छा, मुझे भी बहुत खुशी है और मेरी फैमिली को भी बहुत खुशी है इसकी। आगे क्या प्लान रहेगा? आगे मैं फ्यूचर में यंगेस्ट यूपीएससी टॉपर बनना चाहूँगी, और अभी 11th क्लास में मैं मैथ्स सब्जेक्ट लेना चाहूँगी। हाँ, 90.50%। उजाला कर चले, मन से उजाला कर चले, एक अमर उजाला।